हाई एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? धीरे दिसाइड फ्रॉम क्लब ऑफ इंग्लिश गाइस। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन एंड वेलकम यू ऑल टू माय इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म गाइस। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग बात करने जा रहे हैं हलोंग के थर्ड पार्ट की गाइस, एंड इट्स अगेन एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो इससे पहले हम गाइस हलोंग के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट की बात कर चुके हैं, वो आप पुरानी वीडियोज में देख सकते हैं। सो हलोंग का थर्ड पार्ट गाइस स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अपनी डे टू डे लाइफ में आपने सामने वाले से अक्सर ऐसे कन्फर्म किया होगा। चलिए मैं आप लोगों को फर्स्ट सेकंड पार्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले पार्ट में हम पूछते थे कि आप ये काम कब से कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एक्शन प्लस आईएनजी। फिर आप सेकंड पार्ट में पूछते थे कि आप ये काम करने में कितना टाइम लेते हो। गाइस सी, सो थर्ड पार्ट की जो मैं बात करने जा रहा हूँ, इसमें हम सामने वाले से कन्फर्म करते हैं कि आपको ये काम किए कितना टाइम हो चुका है। जैसे हम सामने वाले से अक्सर पूछते हैं ना, आपकी शादी हुए कितना टाइम हो चुका है, कभी किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो तो हम उससे पूछते हैं कि ये हुए कितना टाइम हो चुका है। जैसे मुझसे लोग पूछते हैं आपको यूएस गए कितना टाइम हो चुका है, तो हमें सामने वाले से अक्सर ये बात पूछनी होती है कि मतलब आपको ये काम किए कितना टाइम हो चुका है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपको एडमिशन लिए कितना टाइम हो चुका है। गाइस सी, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, इस केस में बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग जुगाड़ लगा देंगे। वो कहेंगे कि इसके अंदर हम सामने वाले से बहुत इजीली पूछ सकते हैं। जैसे सपोज आपने सामने वाले से पूछना है कि आपको आपकी शादी हुए कितना टाइम हो चुका है, बहुत सारे लोग इसमें कह देंगे व्हेन डिड यू गेट मैरिड, राइट। बट मैं मानता हूँ कि व्हेन डिड यू गेट मैरिड का मतलब होता है कि आपने शादी कब की थी, और हम क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं कि आपको शादी किए कितना टाइम हो चुका है। कितने टाइम की सेंस आ रही है, तो हलोंग तो यूज़ होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूँ गाइस। इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें हम ऑब्वियसली हाउ लॉन्ग तो यूज करेंगे हलोंग, उसके बाद हलोंग इज इट सिंस यू एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि आपको ये काम किए कितना टाइम हो चुका है, राइट गाइस। मैं आप लोगों को एक बार रिपीट करके दोबारा बता देता हूँ। पहले हम सामने वाले से देखो गाइस, जो लोग ठीक ठाक से इंग्लिश बोलते हैं वो कहेंगे सर इस केस में हम ये पूछ लेंगे व्हेन डिड यू गेट मैरिड, मतलब आपकी शादी कब हुई थी, व्हेन डिड यू गेट मैरिड। बट हम पूछना ये चाहते हैं कि आपकी शादी हुए कितना टाइम हो चुका है, आपको यूएस गए कितना टाइम हो चुका है। एक तो होता है मतलब आप सामने से पूछ रहे हो कि व्हेन डिड यू गो टू यूएस, आप यूएस कब गए थे। एक है कि आप पूछ रहे हो कि आपको यूएस गए कितना टाइम हो चुका है, तो वो इस तरीके से पूछेंगे हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू वेंट टू यूएस, राइट गाइस। ऐसे ही सो कहने का मतलब आप सामने वाले से पूछ लेंगे राइट, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू वेंट टू यूएस। ऐसे ही और भी बहुत सारे एक्शन, जैसे टेक एडमिशन। अब एक बात तो ये है कि मैं अपने स्टूडेंट से अगर ठीक ठाक से इंग्लिश में जानता हूं तो मैं अपने स्टूडेंट से पूछ लूंगा व्हेन डिड यू टेक एडमिशन, कि आपने एडमिशन कब लिया था, व्हेन डिड यू टेक एडमिशन। बट अगर मुझे ये पूछना है कि आपको एडमिशन लिए कितना टाइम हो चुका है, सो हाउ लॉन्ग, हलोंग सेम थिंग, हलोंग इज इट सिंस यू टुक एडमिशन, राइट गाइस। ऐसे ही सपोज कोई बंदा इंडिया आ गया कहीं किसी फॉरेन कंट्री से वापस, तो हम उससे पूछते हैं आपको इंडिया आए, सो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू केम टू इंडिया, आपको इंडिया आए कितना टाइम हो चुका है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेज हैं गाइस जो हम सामने वाले से पूछते हैं। जैसे हम सामने वाले से पूछते हैं कि आपको शादी किए, राइट, तो शादी होना दैट इज गेट मैरिड, राइट गाइस। सो आपने सामने वाले से पूछना है कि आपको शादी किए, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू गॉट मैरिड, कि आपको शादी किए, आपकी शादी हुए कितना टाइम हो चुका है, सो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू गॉट मैरिड, राइट गाइस। चलिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक इसके बीच में मेरे माइंड में आया। गाइस सी, जैसे शादी करने को मैरी बोलते हैं और शादी होने को गेट मैरिड बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे सोच सकते हैं आप। जैसे किसी को शॉक करने को शॉक बोलते हैं और शॉक होने को गेट शॉक्ड बोलते हैं, राइट गाइस। ऐसे ही किसी को चोट पहुंचाने को इंजर बोलते हैं और किसी और खुद इंजर्ड होने को गेट इंजर्ड बोलते हैं। ऐसे इंग्लिश में बहुत सारी प्लेसेस पे होता है। जैसे एक होता है कि अगर मैं बोलूं आई विल मैरी, इसका मतलब है मैं शादी करूंगा। एक होता है आई विल गेट मैरिड, इसका मतलब है मेरी शादी होगी, राइट समझ रहे हैं गाइस। सो आप अगर मुझसे पूछना चाहते हैं कि आपको शादी किए कितना टाइम हो चुका है, सो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू मैरिड, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू मैरिड, कि आपको शादी किए कितना टाइम हो चुका है, राइट। और आपकी शादी हुए, सो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू गॉट मैरिड,
इज लाइक दैट गाइस. सो मैरी का मतलब शादी करना, गेट मैरिड का मतलब शादी होना, शॉक का मतलब जैसे आपने कहा यू शॉक्ड मी राइट, या मैंने कहा आई शॉक्ड यू राइट, मैंने आपको शॉक कर दिया था ना, आई शॉक्ड यू राइट. और अगर मैं कहूं आई गेट शॉक्ड, इसका मतलब मुझे शॉक लगता है, और आई गॉट शॉक्ड मतलब मैं शॉक हो गया था. तो आपने डिफरेंस समझना है. देखो अगर मैं बोलूं आई शॉक्ड, इसका मतलब मैंने किसी को शॉक दिया था, और आई गॉट शॉक्ड का मतलब मैं शॉक्ड हो गया था. काइंड ऑफ दिस गाइस वी यूज इट राइट. जैसे उसने मुझे हैरान कर दिया, सो ही अमेज्ड मी, और उसने वो हैरान हो गया, सो ही गॉट अमेज्ड, कुछ इस टाइप से. मतलब गेट लगाने से जो सेंटेंस है उसकी सेंस काफी चेंज हो जाती है. ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे इंजर का मतलब किसी को इंजर करना, आई विल इंजर यू, मैं आपको इंजर करूंगा राइट. और ये है गेट इंजर्ड राइट. और इस केस में बोल सकता हूँ आई विल गेट इंजर्ड, मैं इंजर्ड हो जाऊंगा, काइंड ऑफ दिस गाइस. सो कहने का मतलब, कम टू द टॉपिक गाइस, टॉपिक में वापस आ जाते हैं. सो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू गॉट मैरिड, आपको शादी के कितना टाइम हो चुका है. हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू वेंट टू यूएस, आपको यूएस गए कितना टाइम हो चुका है. हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू बॉट दिस कार, आपको ये कार खरीदे कितना टाइम हो चुका है राइट. हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू केम टू इंडिया, आपको इंडिया आए कितना टाइम हो चुका है राइट गाइस. ऐसे बहुत सारे. हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू बॉट दिस मोबाइल, आपको ये मोबाइल खरीदे कितना टाइम हो चुका है. लाइक दिस गाइस वी यूज इट. उसके बाद गाइस, उसके बाद अगर रिप्लाई देना है तो मैं सीधा बोल दूंगा इट्स बीन डैश, दैट्स इट, या इट हैज बीन डैश, या फिर डैश years बैक, आई एक्शन प्लस second फॉर्म. मैं आप लोगों को बताता हूं मैंने क्या लिखा. इस तीन तरीके से हम रिप्लाई दे सकते हैं. आपने मुझसे पूछा सर हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू गॉट मैरिड, आपको मतलब आपकी शादी हुए कितना टाइम हो चुका है. सो मैं बोल दूंगा इट्स बिन 7 years, या इट्स बिन 9 years, या फिर मैं बोल दूंगा इट हैज बिन 9 years, सेम थिंग, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी. और इस तरीके से अगर मैं बताना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा 9 years बैक आई गॉट मैरिड, इट्स सिंपल. कोई आपने किसी से पूछा हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू केम टू इंडिया, वो सामने वाला आपको बता देगा इट हैज बीन 5 years that I came to India, और या फिर वो बोल देगा 5 years back I came to India, right? और वो सिर्फ इतना कह के भी काम चला सकता है, it's been 5 years, right? It's been 4 years, it's been 3 months, right? अब मुझसे कोई पूछता है, hello, since you went to US, so मैं बता दूंगा it's been 5 months, that's it, right? It's been 5 months, kind of this guys we can use it. So this is guys, this is all about how long third part, जिसमें हम सामने वाले से पूछते हैं कि आपको ये काम किए कितना टाइम हो चुका है. How long is it since you took admission, मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ how long is it, एक तो होता है when did you take admission, सामने वाला बता देगा I took admission in January, that's really simple, कि आपने admission कब लिया था, मैंने admission तब लिया था. अब मैं पूछ रहा हूँ आपको admission लिए कितना टाइम हो चुका है. So how long is it since you took admission, तो सामने वाला बता देगा it's been 2 months to me to take admission, right? या फिर वो सिंपल इतना भी कह देगा it's been 2 months, right? या फिर वो ये बोल देगा 2 months back I took admission, kind of this guys we use it, right guys? So this is all guys, this is all about how long third part, and that's all about how long guys. We did first part, we did second part, and this is the third part guys. और guys ये जो get की grammar है, इसको हम और अच्छे से भी discuss करेंगे आगे एक topic के अंदर. Get का दोबारा discussion होना, इसी तरह के sentences की मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ेगी. So I'll tell you in more detail कि या मतलब इसको हम और कैसे कैसे यूज करते हैं गेट को इस सेंस में, राइट गाइस. वैसे तो गेट की और भी बहुत सारी ग्रामर है, बट इस सेंस में गेट को और कैसे कैसे यूज करते हैं ये हम और भी डिस्कस करेंगे, राइट. अभी के लिए इस ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको समझना है, राइट गाइस. सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. मेक सेंटेंसेस, थिंक सेंटेंसेस विद हाउ लॉन्ग थर्ड पार्ट. That's all guys from my side, and guys subscribe and like my channel, support my channel, and so see you guys in the next video. Take care guys, bye bye and ciao guys.